तो आज का हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम मेथड। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दो वेक्टर्स को हम ग्राफिकली कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। आज जो हम दूसरा तरीका देखेंगे ये आपका एनालिटिकल मेथड बोला जाता है, ये आपका ज्यादा यूजफुल है और इसी को हमें इस्तेमाल करना है जब कभी भी हम वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जहां कहीं पर भी आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्ट दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट और उस फाइंड करना होगा, जहां पर भी आपको दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन फाइंड करना होगा, तो हमेशा पैरेललोग्राम मेथड का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो ये होता क्या है, अगर हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि वो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स बन जाएं, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई साइड्स, ठीक है, तो क्या होगा आपका जो उनका रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब डायगोनल उसमें दो होते हैं तो कौन सा लिया जाएगा, जो उन दो वेक्टर्स के बीच से जा रहा हो वो वाला डायगोनल लिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बना के अगर हम देखें तो सपोज हमारे पास एक ये वेक्टर है, ठीक है, इसको बोल दो पी वेक्टर, और दूसरा सपोज हमारे पास है क्यू वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा, ये आपके पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है, ठीक है। अब क्या बोला है आपको कि इसका जो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, अगर हम क्यू को शिफ्ट कर दें इस तरह से, अभी क्या है देखो दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम क्यू को इस तरह से शिफ्ट कर दें कि पी के हेड से क्यू का टेल आपका जुड़ जाए, यानी कि क्यू को हम यहाँ से शिफ्ट करे दे रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, तो ये भी क्या है क्यू वेक्टर ही तो है भाई, इसको हमने शिफ्ट किया है पैरेलल लगते हुए, तो ये भी क्यू वेक्टर है। और ऐसे पी को हम शिफ्ट कर दें तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका पी वेक्टर है, क्योंकि ये पैरेलल लगते हुए दोनों शिफ्ट किए गए हैं, और अगर किसी वेक्टर को हम पैरेलल लगते हुए शिफ्ट करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये पी वेक्टर है ये क्यू वेक्टर है, तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें यहाँ पर, तो ये जो आपका वेक्टर होगा ये क्या होगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर होगा कि नहीं होगा, बोला है कि नहीं भाई। ट्रायंगल रूल हम यही तो पढ़ रहे थे अभी पिछले क्लास में कि अगर ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर क्या होता है, ऐसे बना देते हैं इनको क्लोज करते हुए, इधर से अगर इस तरफ इस ओरिएंटेशन में ऐसे जा रहे हैं ना, इधर देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज घूम के आएगा आपका वेक्टर, एरो इस तरफ लग जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज कॉल्ड योर आर वेक्टर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है नंबर एक, और नंबर दो ये कितना एंगल बना रहा है, ये हमको अल्फा एंगल भी फाइंड करना है, दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है इस अपने डेरिवेशन में, ठीक है। तो इसको हम सीखते हैं, तो पहले हम वापस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसको सीखेंगे कि कैसे हम रिलेशन निकालें रिजल्टेंट और वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बीच में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ले लिया, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज इसको हमने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, और इसको बोल दिया ए बी और सी, इसको हमने बोला सी, ये आपके चारों कॉर्नर्स हो गया, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ओ ए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सपोज आपका पी वेक्टर है, ओ सी आपका कौन है क्यू वेक्टर है, ठीक है। ओ ए जो है आपका ये पी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और ओ सी आपका क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे। दिस इज योर पी वेक्टर एंड दिस इज योर क्यू वेक्टर, ऑलराइट। अच्छा, अभी हम देखते हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो कौन होगा, ये हमारा आर वेक्टर है। इस आर वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्चुअल में आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो ओबी का लेंथ होगा कि नहीं होगा भाई। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी लेंथ होती है सिंपली, तो ओबी का लेंथ, इसको हम बोल देंगे आर। ऐसे पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओए, तो ओए का जो लेंथ होगा वो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, इसको हम पी बोले दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओसी का लेंथ, और जो ओसी का लेंथ है वही एबी का लेंथ है कि नहीं, आमने सामने की साइड है पैरेललोग्राम में, इसको हम बोल देते हैं क्यू, ठीक है। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो था हमने बोल दिया, सपोज एंगल है पी और क्यू के बीच में, जो एंगल है वो क्या है आपका थीटा है, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों में यानी कि इन चारों में आर पी क्यू और थीटा में रिलेशन फाइंड करना है, वही हमारा फॉर्मूला कहलाएगा आर का, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास कौन कौन सी लेंथ है, ओ बी, ओ ए और ए बी, इन तीनों लेंथ में कोई रिलेशन हमें चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें,
ठीक है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, जबरदस्ती इसको राइट एंगल बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ओ ए को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ाए दे रहे हैं, ठीक है, और बी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाले दे रहे हैं। ये पॉइंट हमने बोल दिया सपोज ये डी है, ठीक है, तो ट्रायंगल एबीडी बन गया कि नहीं बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये पूरा ओडीबी भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एडीबी, और दूसरा हो गया ओडीबी, ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया भाई, ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, पैरेलोग्राम के आपके एंगल हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों हैं पैरेलल साइड्स के, ठीक है, तो थीटा हो गया। अच्छा, अब हम इसके अंदर ट्रायंगल ओडीबी के अंदर, ट्रायंगल ओडीबी के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो हमारे पास आएगा ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ओडी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेंथ पता नहीं पता ना ओडी की, लेकिन हम ओडी को लिख सकते हैं ओडी प्लस ए डी होल स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ओडी हमारा किसके बराबर है, ओडी, ओडी हमारा हो गया सॉरी ओ ए प्लस ए डी, ये आपका ओडी क्या होगा, ओ ए प्लस ए डी होगा ना, ओ ए प्लस ए डी। अब ओ ए है पी के मैग्नीट्यूड के बराबर, पी के बराबर है, ए डी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ए डी और आपके बी डी के लिए हम थोड़ा सा ए डी ये वाला है और बी डी आपका ये वाला है, इनकी लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करते हैं ट्रायंगल अगर हम ए डी बी में देखें, ट्रायंगल ए डी बी में, इसमें अगर हम साइन थीटा लिखें तो क्या लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, यानी कि बी डी डिवाइडेड बाई हाइपोटीनियस आपका ए बी, तो हम लिख देंगे बी डी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ए बी किसके बराबर है, ए बी क्यू के बराबर है, तो हो जाएगा आपका क्यू साइन थीटा, तो बी डी क्या हो गया हमारे पास, क्यू साइन थीटा, तो बी डी को हमने क्यू और थीटा के टर्म्स में हम ले आए, ठीक है। ऐसे अगर हम कॉस थीटा लिखेंगे इसके अंदर तो क्या आएगा बोलो हमारे पास, ए डी अपॉन ए बी, है ना, बेस अपॉन हाइपोटीनियस, तो यहाँ से आपका ए डी क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा, और ए बी है क्यू, तो ये हो जाएगा आपका क्यू कॉस थीटा, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं, तो ओ बी हमारा है आर स्क्वायर, ओ ए हमारा कितना है, ओ ए हमारा है पी प्लस ए डी हमारा है क्यू कॉस थीटा, और बी डी आपका है क्यू साइन थीटा, ये हमारे पास हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, नहीं ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इन दोनों में, और क्या बचता है हमारे पास, टू पी क्यू कॉस थीटा, क्लियर है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये वन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपकी है, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू, आर की क्या ही, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा का क्या स्क्वायर, ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, है ना। तो एक अगर आपके पास दो वेक्टर पी और क्यू, दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड पी और क्यू है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें एंगल फाइंड करना है, तो सपोज ये एंगल अगर हम इसको अल्फा बोल दें, तो इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओडीबी में ही अगर हम अप्लाई कर दें टेन अल्फा, तो टेन अल्फा को हम क्या लिखेंगे बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी डी डिवाइडेड बाई ओडी, ओडी को हम लिख देते हैं अगेन ओ ए प्लस ए डी, ठीक है। बी डी आपका है क्या था, अभी हमने निकाला था बी डी क्यू साइन थीटा, ओ ए आपका था पी, और ये आपका था क्यू कॉस थीटा, तो हमारे पास एंगल आया अल्फा, ये आ गया आपका टैन इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ऑलराइट। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास निकल के आते हैं, एक आर का निकल के आता है और एक अल्फा का निकल कर आता है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी प्रॉब्लम आपकी आएंगी जहां पर भी आपको, और बहुत बार इस चीज का यूज होगा, जहां पर भी आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना हो, हम हमेशा इन्हीं दो फॉर्मूले फॉर्मूले का यूज करके फाइंड करेंगे, ठीक है।
तो दोनों फॉर्मूले आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये डेरिवेशन आपका एग्जाम में कभी कोई पूछ लेते हैं तो इस डेरिवेशन को भी आपको तैयार रखना है, एक दो बार करेंगे आपको आ जाएगा, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, सिंपल है एकदम, ठीक है। तो ये आपका था पैरेललोग्राम मेथड, विच इज एन एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब इससे प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, कैसे ही बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम तो बता दे रहे हैं, हालांकि अच्छे अच्छे प्रॉब्लम इसे करेंगे बाद में, फिलहाल सपोज एक ऐसे ही बेसिक प्रॉब्लम बता देते हैं। सपोज तुम्हें बोला जाए कि देखो दो वेक्टर हैं, ठीक है, एक है आपका ये मान लो 5 न्यूटन का एक फोर्स है, एक पॉइंट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, 5 न्यूटन और ये सपोज हो गया तुम्हारा 10 न्यूटन, ठीक है। इनके बीच में एंगल सपोज है 60 डिग्री, बताओ नेट फोर्स जो लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो हमको पता है कि देखो दो वेक्टर, इसको हम सपोज क्यू बोल दें, इसको हम पी बोल दें, ठीक है, और थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। तो फॉर्मूला जो हमारे पास ये वाला है इसमें पुट कर दें, तो आर की वैल्यू क्या आएगी बोलो, पी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, ये सारी वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, वही आपका नेट फोर्स हो जाएगा। एंगल पूछता है अल्फा, तो टेन अल्फा यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यूज क्या होंगी, क्यू साइन थीटा, क्यू मतलब क्यू क्या है आपका 5 sin 60 डिवाइडेड बाई पी, पी इज 10 प्लस 5 cos 60, करेक्ट है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 5√3/2, तो 5√3 बचेगा यहाँ पे, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 10 प्लस, ये हो जाएगा 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसको सॉल्व कर लोगे तो 10 अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि रिजल्टेंट क्या आ रहा है और उसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका था पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, एक बार अपने आप से करके देखेंगे, इजिली क्लियर हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके आगे बात करेंगे।